फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत सी एक्सरसाइज के टाइप्स है, जैसे कि योगा, जिमनास्टिक्स, जॉगिंग वगैरह। वैसे ही कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज है जो बॉडी फिटनेस और मूवमेंट को ग्रेस देता है। कैलिस्थेनिक्स मसल्स प्लस स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। वर्ड कैलिस्थेनिक्स ग्रीक वर्ड कैलो मतलब ब्यूटी और स्थेनोस मतलब स्ट्रेंथ इस नाम से नाम मिला है। ये एक्सरसाइज 19th सेंचुरी में फादर ऑफ जिमनास्टिक्स ने फाइंड किया है। कैलिस्थेनिक्स में अपना बॉडी वेट रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, इसीलिए इसे बॉडी वेट नेम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो से कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज एग्जैक्टली क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। बॉडी वेट एक्सरसाइज में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये कितना इफेक्टिव है मसल्स वर्सेस स्ट्रेंथ के लिए। तो ये समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि मसल्स कैसे ग्रो और स्ट्रॉन्ग होते हैं। मस्कुलर और स्ट्रेंथ अडेप्ट होता है जब रेजिस्टेंस और स्टिम्यूलस अप्लाई होता है। जितना ज्यादा वेट आप मसल्स पे डालेंगे उतना ज्यादा वो बिगर और स्ट्रॉन्गर होंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी वेट मूवमेंट वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉगिंग करने से हार्ट के कार्डियक मसल्स की ग्रोथ होती है, पर वो स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ प्रमोट नहीं करेंगे। हमारे बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स फाइबर होते हैं, जिसमें से टाइप 1 एंड्योरेंस के लिए यूज होता है और बाकी 2 ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसे टाइप 2 फाइबर्स बोलते हैं। पुशअप्स करना कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज का अच्छा एग्जांपल है, जो मसल्स को ग्रो करता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम लगेगी, इनफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। फर्स्ट 10 पुशअप्स करना भी टफ लगेगा। इवेंचुअली 10 पुशअप्स सिर्फ इजी वार्म अप जैसे होंगे। जब आप 20-25 तक पुशअप्स करोगे तब आपको सेम प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि जॉगिंग में। आप अपने पुशअप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने पैर प्लेटफॉर्म पर रख के। इससे आपके मसल्स जितनी स्ट्रेंथ डिमांड करते हैं वो पूरी नहीं होगी। दूसरा नेचुरल प्रोग्रेशन है वेट्स यूज करना। पर कैलिस्थेनिक्स में कुछ स्ट्रॉन्ग मसल्स ग्रुप जैसे कि चेस्ट, लेग्स, हिप्स को ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। ओलंपिक जिमनास्ट को वेट यूज करना होते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल बिल्ड करने। अब से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कैलिस्थेनिक्स की कोई प्लेस नहीं है एक्सरसाइज प्रोग्राम में, आपको सिर्फ उसके यूजेस समझने होंगे। इस एक्सरसाइज की ग्रेट बात ये है कि एकदम फ्री है, आपको सिर्फ ग्राउंड की जरूरत है जिसपे वॉक कर सकते हो और पार्क में जिससे बार्स होंगे। और अगर आपको अपनी बॉडी फिट और हेल्दी रखनी है तो ये कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज जरूर ट्राई करें और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ये एक्सरसाइज पे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।